दांतों को साफ करने का काम आपका टूथपेस्ट कर ही नहीं रहा है, वो काम कर रहा है सिर्फ आपका टूथब्रश। आपका टूथपेस्ट सिर्फ एक काम कर रहा है, वो एक फ्लेवर देने का, इट्स जस्ट अ फ्लेवरिंग एजेंट कि हल्का सा उसने दांतों को सील कर दिया, एक मीठा सा टेस्ट फ्लेवर दे दिया, फ्रेशनेस दे दी। जो प्लाक को हटाने का काम कर रहा है, दैट द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग इज डूइंग दैट। भी दांत को फील कर रहे हैं कि हाँ दांत जो है वो बिल्कुल ओके है, तो हमें जरूरत नहीं है डेंटिस्ट के पास जाने की, इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, तो क्या इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम होगी। रीजन बीइंग ओरल कैविटी में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपका टूथब्रश नहीं पहुंच सकता है, एंड मेनी अ टाइम्स द पैथोलॉजी गोज अननोटिस्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इवन इफ यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर ओरल हाइजीन रेजीम, यू आर ब्रशिंग योर टीथ रेगुलरली, यू आर फ्लॉसिंग, स्टिल कुछ एरियाज हैं जहां पे आपका टूथब्रश नहीं पहुंचता है, आपका फ्लॉस नहीं पहुंचता है। इन दैट केस यू विल हैव टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प टू क्लीन इट थरली, क्योंकि अगर कोई साइलेंट पैथोलॉजी जा रही है, लेटर ऑन अगर पेन होता है और तब आप उसे डायग्नोज करते हो, तो दैट ट्रीटमेंट विल बी मच कॉम्प्लिकेटेड, राइट? So it's always better to address it in the very initial stage. That's why we suggest कि आप 6 महीने में एक बार विजिट करें। इससे क्या होगा, जो unnoticed चीजें हैं, अगर कुछ नहीं है, it's fine. You just have to pay the consultation, right? और अगर कोई pathology by chance develop हो रही है, तो it can be addressed in a very initial stage. That's it. Okay, okay. कि अगर कोई problem आने भी वाली होगी, तो पहले से ही उसको हम सही कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। मैम एक question है, how does poor dental health affect overall well-being? और इसी के साथ ही, are there any systematic condition that can be linked to oral health? That's a very important question. Yes, oral health, as I earlier said, is not confined to your oral cavity only. There are many studies, many literature which have shown, there are two terms in statistics. One is correlation and one is association. Association, अगर मैं आपको layman term में बताऊँ, तो वो होता है कि जैसे दो बीमारियां present हैं, तो दोनों present हैं, देखा गया है कि ये है तो ये भी है, दोनों में क्या रिलेशन है, दैट इज नॉट क्लियर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बाय चांस दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। कोरिलेशन इज द थिंग जहां दोनों में लीनियर रिलेशन है कि इफ दिस इज इंक्रीजिंग दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो देखा गया है कि ओरल कैविटी की जो डिजीजेस हैं लाइक पेरिओडोंटाइटिस, उनका दे आर कोरिलेटेड विद मेनी ऑफ द सिस्टेमिक डिजीजेस सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटिस, प्री लो बर्थ वेट, and many other systemic diseases are there which are still under study and the literature is not shown strong evidence against them. But yes, the oral health does affect the systemic condition. So we should not limit the oral health to the oral cavity. ओके, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर दांतों में है और अगर उसको टाइमली अगर नहीं समझा गया और उसका इलाज नहीं हुआ, तो हो सकता है कि और भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आपको देखने के लिए मिल जाए। डेफिनेटली, बिकॉज़ योर पेरिओडोंटाइटिस कैन वर्सन योर डायबिटीज मेलिटस, देयर इज अ रिलेशन, इट हैज बीन सीन। आपका पेरिओडोंटाइटिस की वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन बिगड़ सकती है। ओके, प्रेग्नेंट लेडीज में अगर उनका ओरल कंडीशन खराब है, उनके बच्चे का वेट कम हो सकता है, infective pneumonia has been seen, bacteremia has been seen in many patients. Okay. Although they are still under studies, but yes, relation is there. मैम बात करें ब्रेसेस की, अभी जैसे दांतों के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं, तो जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं उनको बड़ी डिफिकल्ट होती है कि वो अपने ओरल हाइजीन का कैसे ध्यान रखें, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। सी, डेफिनेटली व्हाइल वेयरिंग ब्रेसेस द ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बिकम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट द मोमेंट यू गो फॉर द ट्रीटमेंट, ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट, योर ऑर्थोडॉन्टिस्ट विल सजेस्ट यू एन ऑर्थोडॉन्टिक ब्रश, जिससे आपका ओरल कैविटी क्लीन करना काफी इजियर हो जाएगा। बिसाइड्स, यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी मंथ फॉर द ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट। इसमें ये प्रोटोकॉल होता है कि हर महीने आप विजिट करते हैं। इन दैट केस यू कैन रिक्वेस्ट योर डेंटिस्ट कि जस्ट सी थ्रू माई ओरल कैविटी वेदर एनी अदर पैथोलॉजी हैज स्टार्टेड, एनी केरीज और एनीथिंग लाइक दैट, वेदर आई एम फॉलोइंग माई ओरल हाइजीन मेंटेनेंस प्रॉपरली और नॉट, एंड इफ रिक्वायर्ड द डेंटिस्ट कैन प्रोवाइड अ स्केलिंग, अ सेटिंग ऑफ स्केलिंग एंड क्लीनिंग फॉर द पेशेंट, दैट्स इट। ओके, एंड अगर घर पर अगर हमें अपना ध्यान रखना हो व्हाइल हैविंग ब्रेसेस, तो कुछ हम कर सकते हैं? ऑर्थोडॉन्टिक ब्रेसेस, सॉरी, ऑर्थोडॉन्टिक ब्रशेस आर देयर व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉन्टिस्ट, एंड दैट विल हेल्प यू टू। There are many protocols while undergoing orthodontic treatment. Your orthodontist will suggest you everything while giving you the braces, and you have to follow it religiously, strictly. Because हमने कई patients को देखा है कि 1.5 साल बाद जब उनका treatment खत्म हो रहा है और braces उतर रहे हैं, तो दांत हिलने शुरू हो रहे हैं।
and that's very dangerous. Mm. Just because they didn't get the took the proper care of oral hygiene while having this automated treatment. Okay, तो ये भी बहुत ज़्यादा important है. अगर आप braces लगा रहे हैं तो आपको अपना oral health और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है. मैम जैसे अभी ये क्लियर एलाइनर्स बहुत ट्रेंड में है और काफी चल भी रहे हैं, तो क्या वो इफेक्टिव होते हैं ज्यादा? These clear aligners are very effective way of treating malaligning. They are newer way and they are highly effective provided you are taking it from an authorized source under the guidance of an orthodontist. Okay. There are many companies in market nowadays which were promising ki hum wo patient ko ghar pe deliver kar denge and they will just take it and the alignment will be clear. ऐसा नहीं होगा. प्लीज डू नॉट गेट फूल्ड बाय देम. ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट विल हैव टू बी टेकन बाय एन ऑर्थोडॉन्टिस्ट ओनली. इवन अ जनरल डेंटिस्ट कैन नॉट डू योर ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली. ओके, इवन इफ यू आर अंडरगोइंग द क्लियर अलाइनर, उसका जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है. तो उस कॉस्ट फैक्टर को कम करने के लिए कई सारी कंपनीज मार्केट में उतर गई हैं, उन्हें सस्ते में देना शुरू कर दिया है एंड पीपल आर गेटिंग फूल्ड बाय दैट. ओके, so only an orthodontist can suggest you how to use those aligners clearly and you have to visit the clinic for getting that treatment done. aisa nahi hai ki aap ghar baithe wo aligners laga ke khud se apne daant seedhe kar lijiye. It's wrong. This was very important question. Yes. And जैसे metallic braces हैं वो तो effective होते ही हैं. But अगर alternatives की बात की जाए तो और कुछ है metallic braces? Oh yes, definitely. Ceramic braces are there in market. Okay. उससे भी अगर आपको लग रहा है कि सिरामिक ब्रेसेस आई हो टूथ कलर ब्रेसेस जिसको दांतों के ऊपर लगेंगे दैट आर वाइट, तो ज्यादा दूर से बहुत ज्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं होते हैं. बट स्टिल इफ यू फील दैट देर आल्सो नॉट वेरी एस्थेटिक देन यू कैन अंडरगो द लिंगुअल ब्रेसेस जो हम पीछे से लगाते हैं. देन अलाइनर्स आर देयर, दे आर जस्ट अ क्लियर शीट काइंड ऑफ थिंग व्हिच यू कैन पुट इनसाइड योर माउथ. दे आर वेरी मच इफेक्टिव एज दीज ब्रेसेस. बट अगेन यू हैव टू अंडरगो द ट्रीटमेंट विद सर्टिफाइड ऑर्थोडॉन्टिस्ट. ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले डेंटिस्ट से कंसल्ट करें. डेंटिस्ट आपको डॉक्टर जो है वो ही बता पाएंगे कि किस तरह से आपको कोई भी चीज यूज करनी है. मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने स्टार्टिंग में ही ये चीज बता दी थी, बट अगेन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दिन में एक बार ही ब्रश करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं सुबह भी करना चाहिए शाम को भी करना चाहिए, तो इसमें रहता है. और कुछ लोग तो इनफेक्ट ऐसे ही है कि मतलब मेरे ही जानने में कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि रात में तो हमने कुछ खाया ही नहीं है एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद रह जाता है दांतों में तो हम ब्रश करते हैं. तो आई रियली वांट टू नो कि किस तरह से कब हमें ब्रश करना चाहिए. जो अपने सेकेंड टाइप के लोगों की बात की बिल्कुल सही करते हैं वो. The proper way of brushing is the first one after the dinner and the second one after the breakfast. Okay. See, एक myth है लोगों के अंदर कि हम जब sugar consume करते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तभी हमारा caries activity शुरू होता है. Okay. First of all, sugar does not cause caries. Sugar आपके मुंह के pH level को कम कर देता है. That enhances the bacterial activity. Bacteria को एक conducive environment देता है जिसमें वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं. But the bacterial activity inside your mouth starts as soon as you eat anything, be it sweet, be it salty. जैसे ही आप कुछ खाते हैं, bacterial activity कई गुना बढ़ जाती है और caries दांतों को सड़ाने का काम शुरू कर देता है. तो ब्रशिंग का हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो ये है, जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है which comprises of your salivary minerals and the bacteria. वहीं से वो बैक्टीरिया, वो जो प्लाक होता है वो एक सेफ प्लेस होता है बैक्टीरिया के लिए दांतों के ऊपर एक्युमुलेट करके अपना काम शुरू करने का. तो वाई वी ब्रश, हम लोग उस प्लाक को डिसलॉज कर देते हैं, ब्रश से हमने तोड़ के उसको हटा दिया, तो बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़ाने का काम नहीं कर पा रहा. नाउ डिनर के बाद हमने ब्रश किया, ब्रश करके हम सो गए, तो ये जो एक स्पैन है हमारा रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक का वो हमने सेफ गार्ड कर लिया. ओके, उसमें बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग सलाइवा हार्ट ही के थोड़ा सा बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज होगा बट उतना ज्यादा नहीं हो पाया. सुबह जब हम उठे, सिंस हमने कुछ नहीं कंज्यूम किया, हमने रात में ब्रश किया था, वी कैन ओनली रिंस आवर माउथ विद वॉर्म सलाइन ड्यू वॉर्म वाटर एंड जस्ट एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड देन वी कैन हैव आवर ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट से लंच तक का एक बहुत लंबा स्पैन होता है, हमें उसे भी सेफ गार्ड करने की जरूरत है. तो इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यू शुड ब्रश योर टीथ. ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है.
दिस इज द राइट वे. आप ब्रेकफास्ट के बाद अगर ब्रश करते हैं तो सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग. एंड मैम अगर बात करें कि हमें अपना ब्रश कितने टाइम में चेंज कर लेना चाहिए. विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months. तो काफी सेफ गार्ड कर लेते हैं आप अपना ओरल हाइजीन. ओके एंड मैम इज एनी प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग. ओह यस देयर इज. आई कैन शो यू. जो नॉर्मल टेक्निक हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में नाउडेज वो ये होना चाहिए. वी हैव टू ब्रश आवर द बोथ द जॉस सेपरेटली. ये नहीं कि दोनों दांतों को एक साथ मिलाया और ये घिस दिया. इससे सिर्फ आप अपने दांतों को घिस रहे हैं, कोई क्लीन नहीं हो रहे हैं आपके दांत. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रश बोथ द जॉस सेपरेटली. यू हैव टू पुट योर ब्रश एट द एंगल ऑफ 45 degrees. यू हैव टू टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ सेगमेंट ऑफ 3 teeth. ओके, 3 teeth एट अ टाइम. And you have to put the toothbrush in such a way that half of the bristles are lying on the gums and half on the tooth surface at an angle of 45 degree. Then you have to give a vibratory motion and come downward while brushing your upper teeth. Ek jagah pe 10 se 15 baar aapne brush kiya, then change the segment, come to another 3 teeth, another 3, like that. Inner side, you have to use the heel of the brush to brush this side, okay? Similarly, in the inner side, you have to put it at 45 degree, vibratory motion downward. नीचे के दांतों में सेम प्रोसेस, जस्ट मेक इट अपवर्ड नॉट डाउनवर्ड. ओके, कभी भी हमें दांतों को जोड़ के ऊपर नीचे इस तरीके से ब्रश नहीं करना चाहिए. ओके मैम, व्हाट कैन बी डन टू एलिवेट टूथ सेंसिटिविटी. टूथ सेंसिटिविटी के कई सारे रीजंस हो सकते हैं विच द पेशेंट कैन नॉट मेक आउट एट होम. उसके कई रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है पल्पाइटिस हो सकता है जनरल अब्रेजन हो. सो यू विल हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट फॉर दैट. He or she will diagnose the proper reason. इसके भी कई हमने advertisements देखे हैं टीवी में कि ये toothpaste use करो और sensitivity will be gone. What if the sensitive reason of sensitivity was the pulpitis? वो कैसे चला जाएगा उस toothpaste से? So please do not get fooled by this advertisement. Please visit your clinic. The dentist will diagnose the proper reason of the sensitivity and then only he or she will give you the proper suggestion how to treat it. एंड मैम अगर टूथ वाइटनिंग की बात करें तो क्या हम घर पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे दांत सफेद हो जाएं? सी आजकल मैंने कई सारे एडवर्टीजमेंट देखे हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, मसाला है, मिर्च है, बहुत सारी चीजें हैं. प्लीज प्लीज डू नॉट गेट फूल्ड बाय दीज थिंग्स. सबसे पहली बात यह है कि आपके दांतों को साफ करने का काम आपका टूथपेस्ट कर ही नहीं रहा है. वो काम कर रहा है सिर्फ आपका टूथब्रश. आपका टूथपेस्ट सिर्फ एक काम कर रहा है, वो एक फ्लेवर देने का, जस्ट अ फ्लेवरिंग एजेंट. कि हल्का सा उसने दांतों को सील कर दिया, एक मीठा सा टेस्ट फ्लेवर दे दिया, फ्रेशनेस दे दी. जो प्लाक को हटाने का काम कर रहा है, दैट द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग इज डूइंग दैट. ओके, सो आप नमक मिर्च कुछ भी लगा के ब्रश करें, अगर आपकी टेक्निक गलत है तो फिर रिजल्ट गलत ही आएगा. ओके, एंड जहां तक बात है टूथ वाइटनिंग की, अगेन यू शुड यूज यू शुड आस्क योर डेंटिस्ट. He will suggest you in office or at home treatment. Okay, there are many methods. We also use laser for tooth whitening. It is very much effective. But at the same time, मैं यहाँ एक चीज आपको disclose करना चाहूँगी जो शायद कई सारे dentist आपको नहीं बताना चाहेंगे. वो ये कि dental जो teeth bleaching है आपकी, वो एक permanent treatment नहीं है. Please do not keep your hopes high. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार bleach कर दिया तो life long आपके दांतों का shape change हो गया. हमारी जो इंडियन डाइटरी हैबिट्स है उसमें वी कंज्यूम मेनी कलर्ड फूड लाइक हल्दी एंड ऑल. ओके, वो वेस्टर्न फूड है, बॉइल्ड वो यूज करते हैं, उनका ज्यादा दिन चल सकता है. बट हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है उसके हिसाब से द मोमेंट सम स्टेन अगेन कम्स, फिर से हमारे दांतों का विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स हमारे दांतों का कलर ओरिजिनल आना शुरू हो जाएगा. सो अननेसेसरली डू नॉट यूज दोज ब्लीचिंग एजेंट्स एट होम. दे माइट कॉज अ वेरी बैड सेंसिटिविटी टू योर टीथ. तो अगर किसी भी पेस्ट में नमक, हल्दी, पुदीना, नीम कुछ भी आ रहा है तो हमें उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो सब एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, हम ये कह सकते हैं. और मैम अभी जैसे इलेक्ट्रिक ब्रश भी शुरू हुए हैं तो क्या वो इफेक्टिव है? वो यस, दे आर हाईली इफेक्टिव. बट अगेन वेदर यू नीड इट और नॉट ओनली योर डेंटिस्ट विल सजेस्ट. वो आपकी कंडीशन को देखेंगे. Initially, we used to prescribe these electric brushes to debilitated persons only, but iske kai varieties aa gaye market mein and they are really effective. Okay. So you can go for it. Okay, we can. Yeah. Ma'am,
टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू मैं ये चाहूंगी कि हम अपनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम अपनी लाइफ में कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारी ओवरऑल डेंटल हेल्थ अच्छी रहे. See, as I already told you, your oral health or dental health is related to your overall health, your systemic health, right? So the lifestyle modification and those are same as the general health conditions. Besides dietary habits, we have already discussed, we have to take fresh fruits and vegetables, we have to incorporate more than in food, okay? Then we have to concentrate on minerals, vitamin D and vitamin C in our food. And besides the brushing habits, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि we have to brush our teeth at least twice daily, one after dinner and one after breakfast. Flossing again is a very neglected part of our oral hygiene regime. People think we do not need them, but trust me, it is as important as toothbrushing because your toothbrush cannot go inside the interdental regions. Only your floss can clean those areas. Okay. Then you have to use warm saline mouth rinses. Just take lukewarm water, add a pinch of salt. Just make it a habit of rinsing your mouth at least once daily. That will benefit your gums. The overall health of the gums will be improved. That's it. These are the habits with which you can safeguard your oral hygiene and your oral health to a lot extent. And visit your dentist regularly at a gap of 6 months. That's it. And thank you so much for this informative interview. It was a great interview with you. Thank you so much. Pleasure having you. Thank you.